हेलो फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, प्रीत ने मेरे को बोला कि मैंने खाना खाना है, वो भी फ्री में। तो ये इसने मेरे को चैलेंज किया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं, किसी का कोई फंक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे खाना खा के आते हैं। अगर फंस गए तो डर तो बहुत लग रहा है, बट देखा जाएगा जो होगा। बट जो भी होगा, आज मजा बहुत आने वाला है। आपको वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, अब हम घर से निकल रहे हैं, जाके कोई फंक्शन ढूंढते हैं और वहाँ पे खाते हैं खाना। आप वीडियो पूरी देखना। चलो, फाइनली दोस्तों आप पहुंच चुके हैं एक जगह उत्तर। एक फंक्शन कोई चल रहा वा, तो मैं प्रीत नूं भेज रहा वा। प्रीत पता करके आंदी है कि उन्हें किस चीज़ का फंक्शन है, कितने ना हो कोई सानू फट लवे। तो मैं कही जावा मुंडे वालों आए हैं, तो ये कहे कुड़ी वालों आए हैं। इसलिए असं सोचा कि पहला पता कर लिया जाए कि हाँ भी फंक्शन है किस चीज़ का वा। डर तो बहुत लग रहा, तेन लग रहा डर लग रहा? डर भी लग रहा, एक्साइटमेंट भी है। चल फिर, चल पता करके आ। प्रीत ने जब सिक्योरिटी वाले से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही है। ये सुन के हमको और डरने लगने लगा, कहीं पकड़े ना जाएं, क्योंकि क्राउड भी कम ही था। तो हम सोच रहे थे कि चलो वापस चले जाते हैं, पर हिम्मत करके हम अंदर आ ही गए। सबसे पहले हम पहुंचे स्टॉल के पास। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉल लगा था, टिक्की का। पूरा क्राउड उसको घेर के खड़ा हुआ था। प्रीत का मन कर रहा था टिक्की खाने का, बट डर के मारे आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इतने में ये भाई साहब हमको घूरने लग जाते हैं। तो हम भैया डर के मारे यहाँ से निकलने की हमने। उसके बाद हम ड्रिंक लेने के लिए बेवरेज पर गए, तो यहाँ ये भाई साहब भी हमको घूरने लगे। बड़ी मुश्किल से प्रीत दो बोतल पानी की लेकर आई। डर बहुत लग रहा था। बोलते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका चाहे होना कुछ भी ना हो, बट फिर भी डर लग रहा था। हर कोई आता जाता हमको घूर रहा था। हमने पानी पिया और सोचा अब क्या करें। फिर मन बनाया कि जो होगा देखा जाएगा, एक एक करके खाना खाते हैं। सबसे पहले प्रीत ने हिम्मत जुटाई और निकल पड़ी खाना खाने के लिए। मुझको तो कसम से बहुत डर लग रहा था, बट ये बोल रही थी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आई हूँ तो जाऊंगी तो खाना खा के ही जाऊंगी। खाना देख के तो इसके मुंह में पानी आ जाता। फिर ये लगी इधर उधर सारे स्टॉल पे नजर घुमाने। भैया पंजाबी हैं, क्या करें, एक बार में थोड़ी ना डालेंगे। पहले स्कैन करेंगे, देखेंगे क्या क्या लगा है, उसके बाद राउंडर लगाएंगे, सारा अच्छे से देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या डालना है क्या छोड़ना है। पूरे स्टॉल के दो राउंड लगाने के बाद में मैडम को समझ में आया कि क्या डालना है। सबसे पहले इन्होंने डाला मलाई कोफ्ता और दूसरा डाला है पालक पनीर। चलो, उसके बाद में फिर मैडम निकल पड़ी रोटी लेने के लिए। जैसे ही तंदूर के पास पहुंचे तो देखा कि तंदूर को बहुत से लोग पूरा घेर के खड़े हुए हैं। ये देख के हम बहुत हैरान हुए। तंदूर वाला रोटी रखता तो लोग एक दूसरे के हाथ से खींच खींच के रोटियां लेके जा रहे थे। तो बहुत हिम्मत करके आखिर प्रीत भी आगे बढ़ ही गई। मुझको तो बहुत डर लग रहा था, बट ये हिम्मत दिखा रही थी, ये लाइन में लगी रही। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मैडम को रोटी मिल ही गई। और उसके बाद मैडम के फेस की स्माइल आप देख सकते हो, पूरा खुश हो गई। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली दोस्तों, हमने अपना अपना खाना डाल लिया है, पर डर बहुत लग रहा है। मैंने प्रीत को बोला जल्दी जल्दी खा ले, बोलती कुछ नहीं होता, तो चुपचाप खा, देखा जाएगा जो होगा, आराम से खा। अब तो मुझ में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी और हम मजे से खाना खाने लगे थे। इतने में थोड़ी सी देर हुई तो ये भाई साहब हमको घूरने लगे। फिर हमने जल्दी से खाना खा के यहाँ से निकलने की जल्दी जल्दी चल, मैंने बोला कहीं पकड़े गए तो बहुत जूते पड़ेंगे। ये भाई साहब भी बहुत घूर रहे थे हमको। फाइनली दोस्तों, हम सेफली खाना खा के बाहर आ चुके हैं और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई हमको। बट दोस्तों, जब हम खाना खा रहे थे डर बहुत लग रहा था, कहीं पकड़े ना जाएं, क्योंकि हमने खाना भी ऐसे खाना था और ऊपर से वीडियो के शूट भी लेने थे थोड़े थोड़े। शादी हो उसमें दोस्तों फिर भी चल जाता है, क्योंकि अगला बोलता है ये लड़की की तरफ से होगा, वो बोलते हैं ये लड़के की तरफ से होगा, क्राउड ज़्यादा होता है तो दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ पे बर्थडे पार्टी थी और उन्होंने स्टॉल भी एक लगा रखा था। ये मैडम बोल रही कि मैंने टिक्की खानी है, मैं कहा भाई जो मिल रहा है वो खा ले, कहीं ऐसा ना हो पकड़े जाएँ और ऊपर से जूते खाने पड़ेंगे अलग से। फिर हमने फटाफट से खाना खाया, थोड़े से शूट लिए और वहाँ से भाग निकले। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपने कभी ऐसे बाहर जाके खाना खाया है या नहीं।